फिर से एक नया वीडियो आप लोग के लिए। आप लोग देख रहे हैं मैथनल गिलन मारुटी वर्कशॉप ऑथराइज सर्विस स्टेशन। आज हम लोग के पास आया है एल्टो 800। आज हम लोग करने वाले हैं एल्टो 800 के ऊपर काम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डैमेज साइड। इसका फ्रंट साइड ऑलमोस्ट राइट साइड का एप्रॉन पूरा डैमेज हो गया, इसका फ्रंट साइड ऑलमोस्ट पूरा डैमेज हो गया। तो चलिए इस गाड़ी का पूरा फुल प्रोसेस दिखाएंगे आप लोग को, तो वीडियो में बने रहे लाता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली एल्टो 800 हम लोग का डेंटिंग सेक्शन के अंदर आ गया। सबसे पहले हम लोग को इसका इंजन है, इंजन को डाउन कर लेना है। उसके बाद डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को खोल लेना है, क्योंकि इसका जो एप्रॉन है, एप्रॉन ठीक करने के लिए या एप्रॉन इसमें नया असेंबल करने के लिए हम लोग को जो इंजन है, इंजन को डाउन करना जरूरी है। अगर एप्रॉन एक बार आप लोग का खराब हो गया तो उसमें नया एप्रॉन आप लोग अटैच कर लीजिए। अगर एप्रॉन वही एप्रॉन पुराना वाला एप्रॉन अगर सप्ताह के ठीक कर लिया तो उसका जो एप्रॉन का जो प्रॉब्लम है बाद में दिखाई देगा आप लोग का टायर के ऊपर। जो टायर ऑलमोस्ट डैमेज हो जाता है, टायर घिस जाता है, इसलिए आप लोग को एप्रॉन चेंज करना जरूरी है। तो एल्टो 800 का हम लोग का तो फ्रंट साइड में डैमेज था, तो इसका अपर मेंबर, लोअर मेंबर, मिडिल मेंबर ऑलमोस्ट डैमेज हो गया था, इसलिए इसको भी हम लोग चेंज करने वाले हैं। उसके बाद एप्रॉन है, एप्रॉन हम लोग अभी इसके ऊपर नया असेंबल करने वाले हैं, इसलिए हम लोग का जो पुराना वाला एप्रॉन है उसको कटिंग करके हटाना है। उसके बाद हम लोग का जो नया एप्रॉन है उसके ऊपर असेंबल किया जाएगा। आप लोगों को अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से सबसे पहला मेरा जो न्यू वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एल्टो 800 हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया डेंटिंग का काम। इसका जो फ्रंट एप्रॉन हम लोग को फिट करना था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग का जो इसका इंजन है, इंजन को असेंबल करने के लिए हम लोग का वर्कशॉप के अंदर इसका लिफ्टिंग किया जाएगा। उसके बाद जो हम लोग का इंजन है, इंजन को असेंबल किया जाएगा। तो एल्टो 800 का हम लोग का फिटिंग सेक्शन के अंदर आ गया। सबसे पहले हम लोग को इसका बोनट है और फेंडर है, इसको असेंबल करना है। उसके बाद इसका फ्रंट बम्पर है, फ्रंट बम्पर हम लोग को असेंबल करना है। तो फाइनली हम लोग का जो एल्टो 800 ऑलमोस्ट फिटिंग हो गया। अभी इसका जो फ्रंट बम्पर है, फ्रंट बम्पर हम लोग को अलग से असेंबल करना होता है। उसके बाद गाड़ी के ऊपर असेंबल किया जाता है। चलिए हम लोग एल्टो 800 का फाइनल शॉट देख लेते हैं एक बार अच्छे से। फिर मिलेंगे एक नया कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय।